सत श्रीकाल जी, पीबी बत्ती नवा शहर देख रहे हो, मैं दिनेश सूरी। दोस्तों, इस समय असी ब्लड बैंक विखे मौजूद हाँ, जिथे स्वर्गवासी श्री परशोत्तम चड्ढा जी की याद में अज खूनदान कैंप लगाया जा रहा, और रुखां की भी जी सेवा की जा रही, वह एक तरीके का लंगर जरा वरताया जा रहा, घर घर रुख पहुँचाए जा रहे हैं। मैं गलबात का सिलसिला शुरू करा, उस तो पहले एक मैनू शेयर याद आ रहा है, वो कहिंदा कि फुल ना तोड़ना मेरी अर्थी सजाने, फुल ना तोड़ना मेरी अर्थी सजाने, लकड़ी ना कट्टना मेरी चिखा जलाने, की पता अगला जन्म मेरा पक्षी का होवे, इन्ह रुखा बचा मेरे आलना बनाने, इन्ह रुखा बचा मेरे आलना बनाने, खूनदान महादान, खूनदान ना हुंदा है जग कल्याण। और इत्थे साडे सारे वीर, वड्डे वीर छोटे वीर मौजूद है, जिहड़े हालांकि दुख की घड़ी है भरा दे लई, क्योंकि सिर तो पिता का जब साया उठ जाता है, ये पुत नूं ही पता हुंदा कि किड्डा वड्डा पहाड़ डिगदा, भरावां तों जब भरा विछड़दा तो भरावां नूं ही पता हुंदा दिल ते की बीतदी आ। और परशोत्तम चड्ढा जी मेरे भी बड़े अजीज सीगे, बहुत कुछ सीखण नूं मिलिया, कई वेले बोलण वेले असीं भावुक भी हो जांदे आ, पर नाल दी नाल ये नेक उपराला है, उन्हां दी याद विच खूनदान कर रहे हैं ता जो होरां नूं जिंदगियां मिलन, और रुख भी जिहड़े आ उह लगाए जाणगे ता जो होर जिहड़े वीर साडे भरा ऑक्सीजन तो आपां कहिंदे कि कई वेले औखे हो जांदे तां ऑक्सीजन भी घर घर पहुँचे। और आवाज़ संस्था तो वरिंदर बजाड़ जी कहिंदे भी हुंदे आ कि एक फेफड़ा साडा ओ रुख पिया, एक फेफड़ा लग्गिया, तां बहुत सारे नवें फेफड़े अज नवें शहर नूं देण लगे आ। सरदार बरजिंदर सिंह हुसैनपुरी और आवाज़ संस्था के उपराले ने जोड़ा ये नेक उपराला हो रहा वो शलाघा करता। और हूँ वीर ना गल करते हैं परशोत्तम चड्ढा जी के सपुत्र के नाल, भाई जी अज बड़ा नेक उपराला है, और तुहाडे की विचार ने? हालांकि मैं जिवें पहला भी कह दिता है कि पिता जो तो विछड़ जाता है उस तो वड्डा दुख होर कोई नहीं है, क्योंकि पिता वर्गा होर साथी भी कोई नहीं है, पर फिर भी तुसीं हौसला कीता, तुहानूं वीरां दा साथ मिलिया, तुसीं हौसला कीता, यह नेक उपराला कीता, उहदे बारे की कहना चाहोगे? सारे साथियों सब तो पहला जय भीम जय भारत, वाहेगुरू जी का खालसा श्री वाहेगुरू जी की फतेह। अज मेरे पिता जी की याद में ब्लड कैंप लगाया गया, इस ब्लड कैंप के जिन्होंने भी ब्लड डोनेट किया, पहला सब तो पहला तो मैं उन्होंने सारे साथियों का तहे दिलों धन्यवाद करता वा, अते मैं सारे नूं कहना चाहुंदा वा कि मैं जिहड़े भी मेरे पिता जी दे जो काम अधूरे छड्ड के गए हैं, अते मैं तुहाडे सारे सहयोग सारिआं दे सहयोग नाल उहनां कम्मां नूं अगे लैके जावांगा। इन्ने साथियों सारे जय भीम जय भारत। नाल दी नाल आवाज़ संस्था वल्लों जिहड़ा उपराला किया जा रहा उहदे विच योगदान पाया जा रहा, और 5100 रुपए का योगदान जिहड़ा आवाज़ संस्था वल्लों पाया जा रहा। विक्की गिल जी, मैं लवा साहब तुहाडे नाल गल करदा, लेकिन पहला परिवारक मैंबर ही ने इह नेता जी कहिंदे सी, तुसीं गुरु जी कहिंदे सीगे, और कई वेले मन भावक हो जांदा याद करदे आ, तां अज इह चंगा उपराला कीता क्योंकि खून डोनेट कीता, मैं अंदर पुछ के कहिंदे 20 यूनिट दे आस पास हो गया, और होर भी बहुत सारे लोग तैयार आ खून देण नूं, अज दे मौके नूं किवें देखदे? सब तो पहले सारे साथियों का इतने पहुँचने जी ऐ आखदा वैलकम करता वा, जिन्हें भी साढ़े इतने साथी आए आ उन्होंने बद तो बद चढ़ के इतने ब्लड डोनेट करना वा। साहब श्री परशोत्तम राम चड्ढा जी जो कि साढ़े समाज के बहुत बड़े लीडर से पंजाब लैवल दे, जो कि समाज में वधिया सेध दिंदे सीगे, जिन्ना परिवार को घाटा होया उस तो बाद ज़्यादा समाज में भी घाटा होया वा। असी उन्हां दी याद विच अज खूनदान कैंप ब्लड डोनेट दे विच लाया वा, असी चाहते हैं भी साहब श्री परशोत्तम राम चड्ढा जी की इदा ही दुनिया से उन्हां दा नाम बनया रहे। जय भीम जय भारत। जलवाहा साहब साढ़े विच मौजूद ने। जलवाहा साहब, स्वर्गवासी श्री परशोत्तम चड्ढा जी एक नेक रूह नेक इंसान हर एक दे काम आने वाले, और अज इस उपराले नूं कैसे देख रहे हो? जी पहला तो मैं पीबी बत्ती दे जिन्ने स्रोते ने उन्होंने फतेह अर्ज करदा जी, वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। दूसरा अज जो श्री परशोत्तम चड्ढा जी जिहड़े कि डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया दे मुखी भी सी, जो साढ़े पिछले साल साढ़े विचों पिछड़ गए ने, उन्हां दी याद विच अज उन्हां दे बेटे वालों परिवारक मैंबरां वालों ते जिन्ने भी उन्हां दे पार्टी दे नुमाइंदे ने उन्हां सारिआं वालों उन्हां दी याद विच पहला जिहड़ा खूनदान कैंप ते बूटियां दा लंगर जिहड़ा लगाया गया, सो इह उन्हां दी याद नूं जिथे ताज़ा करन दे लई एक प्रोग्राम उलीकिया गया, उहदे नाल इह समाज प्रति एक चंगी सेध देण लई भी एक बहुत वधिया इन्हां ने कार्ज जिहड़ा उलीकिया आ, जिथे श्री परशोत्तम लाल चड्ढा जी नूं अज पहले खूनदान कैंप जरिए असीं श्रद्धांजलि भेंट करदे हां, उत्थे असीं परिवार नूं भी धन्नवाद करदे हां, इहनां दा शुक्रिया करदे हां कि इहनां ने जिहड़ा लोड़वंदां लई ब्लड दा जिहड़ा इंतजाम कर रहे ने, और जिहड़ा बूटियां दा लंगर जिहड़ा ला के ये जिहड़ा
वातावरण की सांभ संभाल ले भी चंगा उपराला कर रहे हैं। सो असी परिवार के नाल हमेशा मुंडे नाल मुंडा ला के खड़े हैं। साडा बेटा जिहड़ा भाजी उन्हां दा पुत्तर आ, सो मैं इनू भी विश्वास दवाना कि हमेशा कदी भी साड़ी किते लोड़ होवे तां आपां हमेशा इन्हां दे परिवार दे नाल डट के खड़े हैं। बहुत बहुत चंगे विचार ने एम सी साहब। जलवाज साहब ने कहा कि बेटे दे नाल खड़े हैं, कमी महसूस नहीं होने देवांगे, पर फिर भी दुखां दा पहाड़ जिहदे ते गिरदा उहनूं पता लगदा। मैं ये शब्द बार बार इसलिए कह रहा क्योंकि प्यो पुत्त जिहड़ी यारी हुंदी है जां प्यो पुत्त दा जिहड़ा प्यार हुंदा उह हर एक बंदा महसूस कर सकदा। अखां भी गिल्लियां हो गईआं भरा दीआं, घबराउणा नहीं भरा। मदर भी उन्होंने आ गए बेटे, इन्होंने वीर के मदर भी इतने पहुंचे। पर एम सी साहब तुम की कहना चाहोगे? अज परशोधन चड्डा जी की याद के जोड़ा पहला कैंप लगाया जा रहा वो जिन्हें भी खूनदानी सज्जन आए आ चीफ गैसट आए उन्होंने धन्यवाद हाँ। मैं परशोधन चड्डा जी का इस करके बहुत नेड़े साथी हैं कि असी DS4 1985 के कट्ठे ने संघर्ष किया, साडा कट्ठा ही राबता रहा, कट्ठा ही प्यार रहा। इस करके मैं अज 96वीं 47वीं बार खूनदान कैंप उन्होंने करके श्रद्धांजलि भेंट करनी आ। तो जो मैं हूँ कैंप से देखा, वो कहते 6 O नैगेटिव जो मेरा खूनदान ओ नैगेटिव आ, इन्हों को पहले आलरेडी 6 यूनिट पे आ। मैं फिर भी उन्होंने श्रद्धा के फुल भेंट करता हाँ, इस परिवार को विश्वास दवाना कि जिमी चड्डा जी ने साडा प्यार बचपन तो रहा, इस तरह जो भी मैंने कहीं याद कर मैं इन्होंने परिवार ना तय दिलों मदद भी करूँगा, नाल खड़ांगा। तो इन्ना कुछ कहना सारे जय भीम जय पार जी जी, बहुत शुक्रिया। मैं जो दे विचार सन वो कभी नहीं मरने, क्योंकि विचार मरते नहीं। सूरी बारे भी मैं थोड़ा जहा जरूर कहूँगा, पर जो किसान अंदोलन शुरू होया ये बच्चा साढ़े को कवरिंग करना आता रहा, पर उदों के अज के विचार ने जो पहले ने शेर बोलिया कि वो जमीन आसमान का ही फर्क हो गया। मैं सूरी साहब नूं भी एक दिन ये गल की सी, पिता जी इन्हां दे नाल आए हुए आ। तो चड्डे बारे जो आ मेरा लगूटिया यार सीगा चड्डा, बहुत मतलब किसान अंदोलन मोढ़े ना मोढ़ा डा के उन्हें मेरी साथ दिता, और उसकी सामना वड्डी जिहड़ी सीगी वो सीगी पढ़ाई। बड़ी कोशिश की, एक स्कूल भी खोलिया, उस स्कूल का साथ मतलब अपने ने ही ना दिता। मैं सच बोलूँगा इस गल का, क्योंकि अपने कहते पढ़ना ही नहीं आपा, वो दा एक सोच सीगी वो दी एक। मैं अगे भी बेनती सारे समाज नूं करदा इस नूं भी जो सच्ची श्रद्धांजलि आ वो एक विद्या दान दे के समाज नूं पूरी करो। नंबर 2 आ जिहड़ा लंगर लाया बूटियां दा, साडे हिंदुस्तान भारत विच 33% जिहड़ा जंगल लई अलाट आ जमीन, पर रवायती पार्टियां दे चहेतियां ने वो जमीन जिहड़ी आ बगली होई आ। तो सानू माइनिंग स्लैडिंग जिहड़ी हुंदी आ वो सिर्फ इस करके हो रही है भी साडे को जंगल कट गए। जे वो जंगल दोबारा 33% धरती खाली करवा के ला दिते जाण, क्योंकि आक्सीजन नहीं बोर्डां ने देनी, जिहड़े वड्डी वड्डी होल्डिंग होई आ पिछे, बहुत वधिया काम कीते भगवंत मान ने। मैं बेनती करदा वी अगों तो इस गल नूं संकोच करके जंगल लई जरूर असीं पिछे बेनती जिहड़ी मते वाड़े वारा कीती सीगी उन्होंने मान लिया। अगले दिन मैं कभी अगला जिहड़ा कल नूं फैसला है वो जंगल के हक च दे दिओ, बहुत वधिया होगा। तो हुण भी मैं बेनती करदा, होल्डिंग ने आक्सीजन नहीं देनी, आक्सीजन देनी है दरख्त ने, और 2 दरखत तां तकरीबन 2 दरखत मरन वेले काम आउंदे बंदे दे, वो जरूर ला देने चाहिए आ। और बड़ी दुख की गल आ मैं जी अज कर लगा भी मोर्चरी एंड गैस भट्ठी लाई हुई आ, साडा समाज जो ब्राह्मण के थले सदा लग्या आ वो अज भी ये गल चाहुंदा भी इस तरह नहीं करना संस्कार। नाले सौखा 1 घंटा 20 मिनट लगते हैं, फुल भी उस वेले उत्ते आ जाते हैं, पर नहीं, सिर्फ DC साहब ने करोना दौरान उन्होंने हैंडओवर कर ली सी, उन्होंने सिर्फ 2 संस्कार किए। वही मैं क्या मैं सारा साथ दूंगा, वर्दियां वगैरह इतों उत्थे मैंने देती हैं, 4 बंदे वर्दियां पा के बिचे साड़ दी दी, सिर्फ 2 संस्कार आ 5 सालों में होए आ, और काफ़ी पैसा खर्चा कर समाज उस गल लई तैयार नहीं। पर सरदार साहब वो ना जागृत करना पड़ा, एक वड्डा विशा ये फिर डिबेट करेंगे, इस ही खास डिबेट कर लेंगे। खास यही है भी दरख्त जोड़े आ इन्हों जरूर लाओ, क्योंकि साढ़े कहिंदे जिदा तुम आलने वाली गल की है, अगला जन्म जोड़ा पक्षी वाला भी हो सकता, किसी दरख्त आलना भी मैनू पाना पै सकता। इन्होंने दरख्तों ना वड्डो,
ये दरख्तों नूं जीवन दिओ और 33% जो रकबा जंगलात का है उन्होंने कवर करके जंगलात लाई जाए। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू। अच्छा सबरवाल साहब, जिवें सरदार साहब ने गल की कि लंगोटिए सके, पर मैं एक गल कहनी चाहा कि खास गल सी चड्ढा साहब की हर एक कंफर्टेबल कर देंदे सी, भावें साढ़े तो 20 साल वड्डे भी सके, लेकिन जो तो गलबात हुंदी सी कंफर्टेबल करते सी, अपना बना लैंदे सी, उन्हां दे अंदर एक खिच सी, हरेक दे काम आउंदे सी। इन्होंने जिवें कहा कि अपने ही काम नहीं आए, लेकिन चड्ढा साहब किसी नूं मना नहीं सी करदे, हर एक दे ही काम आ जांदे सी। उहदे बारे की कहना चाहूंगे? पहले तो मैं पीवी बत्ती दा ब्लड बैंक पहुंचण ते मैं धन्नवाद करदा हां, और सारे आए हुए साथियों का मैं धन्नवाद करदा हां जिहड़ा अज खूनदान कैंप दे विच पहुंचे आ। तो मैं गल करदा वी चड्ढा जी की जो देण वा, असी छोटे छोटे होंदे थे सूरी साहब, चड्ढा जी सानू घरों लभ लभ के लियांदे होंदे सीगे। अच्छा, लभ लभ के लियाना, उन्होंने सानू घेर घेर के लिया के सानू पार्टियां ज्वाइन कराइया। अज जे असी पीवी बत्ती ते बोलण जोगे आ, जे असी अगर समाज के लीडर वा तो सिर्फ श्री परशोत्तम लाल चड्ढा जी की देण आ। चड्ढा जी की जिहड़ी देण वा, चड्ढा जी एक वो लीडर वा, बाकी जिहड़े लीडर वा जाओ लुधियाणे तक सहमत वा, जाओ जलंधर तक सहमत आ, जा अमृतसर तक सहमत वा, एक श्री परशोत्तम लाल चड्ढा सी जिहड़े पूरे पंजाब दे विच घूमदे सीगे और हरेक दे दुख सुख दे विच जांदे सीगे, और जे कोई रुस जांदा सा उहनू मनांदे सीगे, पर उन्होंने अपने शरीर तो कदे भी किसी भी समाज के अंग नूं दूर नहीं होण दित्ता, क्योंकि चड्ढा जी का असी देण नहीं दे सकते। चड्ढा जी नूं असी चड्ढा जी दे बहुत जाने के बे अखां भर दियां आ, चड्ढा जी का बहुत बहुत रिकॉर्ड करते हैं, और जो अज फुल बूटे दे जा रहे हैं, मैं कहना सारिआं नूं लिजा के एक घरां दे विच लाने चाहिए आ। यह जिहड़ा एक बूटा नहीं, यह चड्ढा जी की याद वा, यह बूटा नहीं, एक चड्ढा जी की याद वा, जिदा आपां एक बच्चे नूं पानी पा के पालदे हां, इदां यह बूटा ला के चड्ढा जी की याद नूं पालीए। मैं इन्ना कुछ कहिंदा होइआ सारिआं नूं जय भीम जय भारत। तो साढ़े वड्डे वीर हेमंत जी साढ़े नाल अंदर खूनदान करके आए आ। हेमंत जी, मैं जिस दिन चड्ढा साहब जी नूं अंतिम जी अरदास सी उदन भी उत्थे मौजूद सके गुरद्वारा साहब, तुसीं भी शरदा के फुल भेट किए सके, उत्तों पता लगता तो बड़ी अटैचमेंट है, तो तुसीं की कहना चाहोगे अज्ज दिन? देखो चड्ढा साहब ना साड़ी बड़ी यारी दोस्ती सी, बहुत साडा दिली प्यार सीगा, जिन्ने भी कोई समाजिक इशू हुंदे सी, कोई शहर लैवल ते इलाके लैवल ते कदे को दिक्कत परेशानी ना आंदी, असी बह के सॉल्व कर लैंदे सी। कई बार कोई ऐसे सेंसिटिव इशू भी बने आ जिन्हां ते कई बार तनाव हो सकदा सी, पर वो भी बड़े तरीके दे नाल असी बह के सारे मसले सॉल्व किए आ। सो उन्हां दा सारे समाज के हर एक वर्ग के विच रिगार्ड और सन्मान सी उन्हां दा। सो उन्हां दी याद नूं ताज़ा रखने वास्ते अज मैं भी ब्लड डोनेट करके आया, साढ़े प्रधान जी आए आ, होर बहुत साथी है जिन्होंने अज ब्लड डोनेट किया। यही प्राप्ति है चड्ढा साहब की कि सारे आप मुहारे पहुँच रहे हैं और उन्होंने श्रद्धा के फुल भेंट करना चाहते हैं, राहों तो प्रधान साहब भी मौजूद ने। प्रधान साहब, तुम ब्लड डोनेट करके? हाँ जी जी, अज जोड़े दिन आ चड्ढा साहब की याद में मनाया जा रहा, रुख जोड़े आदा लंगर लगे है, ब्लड डोनेट कर रहे, वे की कहना चाहोगे? देखो अज जो साढ़े इंसान नहीं रहे, अज अपने पिछे खुशबू छड गए, वह ये सारा सानू थानू प्रैक्टिकल आ जो उन्होंने खुशबू सी थानू दिस रही है, क्योंकि चड्ढा साहब एक ऐसे इंसान सके, उन्हों का पंजाब दे विच नां सीगा, असी अपने शहर लैवल ते असी अपने देखिया, मान लो शहर दे विच पार्टी वाइज उपर उठ के भाईचारक तार दे विच विचरदे सीगे, जां किते वी असी पंचायत दे विच जाणा किते वी जाणा कोई पार्टी वाइज जिहड़ी गल नहीं सी हुंदी हैगी, इदां दे इंसान दुनिया दे विच बहुत घट सानू मिलदे आ इहो जी सोच वाले, जिहो जी सोच चड्ढा साहब दी सीगी तकरीबन शहर साढ़े अपने शहर लैवल ते उन्हों का जिहड़ा भाईचारक सीगा ना, एक बहुत डूंगी सोच के मालिक सके, वह आम बंदियां दे विच गल देखण नूं नहीं आउंदी हुंदी, जो मान लो पोलिटिकल नाल अटैच हुंदा बंदा वह पंचायत दे विच जाके कोई ना कोई किसी ना किसी तरह की गल करता, लेकिन मैं इको इंसान देखे आ जो पार्टी वाइज तो उपर उठ के वह साडे शहर दे विच विचरदे सीगे, हर वक्त दुख सुख दे विच सांझी सीगे हरेक दे, पर मैं चड्ढा साहब नूं तकरीबन जदों 15-16 साल दे सीगे चड्ढा साहब, साडे घर दे कोले उन्हां पिछे इन्हां दा महला पैंदा हैगा, उन्होंने 15-16 साल की उम्र के उठ के सवेर नूं रमायण पढ़ते होंदे सीगे, साढ़े 3 बजे उन्होंने उठ के मंदिर में चल जाते सीगे जी बाबा वाल्मीकि जी दे, उत्थे उन्होंने तकरीबन घट्टो घट 3-4 घंटे उत्थे रोज़ ही रमायण पढ़ते सीगे, फिर वो व्याख्या भी करनी रमायण पढ़ के,
ਚੱਡਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ ਜਦੋਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਿਆ ਫਿਰ ਉਹ ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਧਰਮ ਖਿਆਲਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰ ਚਲੋ ਸ਼ਾਇਦ ਗਿਆਨ ਸੀ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਵਾਜ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਸੀਗੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਪਾਰਟੀ ਵਾਜੇ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਪੀਰਿਟ ਰੱਖਦੇ ਆ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਰੱਖਦੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਵਾਜ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਸੀਗੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਗਿਆਨ ਸੀ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਅੰਦਰ ਕਰਕੇ ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਵੀ ਹਾਂ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂ ਮੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਚੱਡਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੋਚ ਸੀਗੀ ਤਕਰੀਬਨ ਹਰੇਕ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸੋਚ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਸਾਰੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਜੋ ਚੱਡਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੀ ਸੋਚ ਸੀ ਉਹੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲਣਾ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਸੀਂ ਹਰ ਵਕਤ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਂ ਸਾਥ ਦੇਵਾਂਗੇ ਪੂਰਾ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਜੈ ਭੀਮ ਜੈ ਭਾਰਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਰ ਔਰ ਚੱਡਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬ੍ਰਦਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਆਖਿਰ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਚੱਡਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਅੱਜ ਵੀ ਮਹਿਕ ਰਹੀ ਹੈ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਅੱਜ ਵੀ ਮਹਿਕ ਰਹੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਦੀ ਘੜੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਭਰਾ ਵਿਛੜ ਜਾਂਦਾ ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਹੌਸਲਾ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਇਹ ਸਿਹਤ ਦੇਵੇਗਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਖੂਨਦਾਨ ਕੈਂਪ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾ ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਬੀ ਆਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸੰਚਾਲਕ ਆ ਲਵ ਕਈ ਰਾਹੁਲ ਮੁਹੱਲਾ ਤਾਜਪੁਰ ਦੇ ਜਸ਼ਪਾਲ ਜੀ ਦਰਾਵੜ ਔਰ ਚਟਾਲਾ ਫੈਮਿਲੀ ਕਈ ਫੈਮਿਲੀ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹ ਕੈਂਪ ਚੱਡਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾ ਜੋ ਕਿ ਖੂਨਦਾਨ ਕੈਂਪ ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੇ ਆ ਤਕਰੀਬਨ 100 ਦੇ ਕਰੀਬ ਬੰਦੇ ਬਲੱਡ ਡੋਨੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਆਏ ਹੋਏ ਆ ਔਰ ਮੈਂ ਚੱਡਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਦਈਏ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਵਾ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਵਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਉਪਰਾਲਾ ਵਾ ਚੱਡਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ 16 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਠ ਕੇ ਬੜੀ ਰਮਾਇਣ ਪੜ੍ਹਨੀ 2 ਘੰਟੇ ਔਰ ਇੰਨੀ ਕਿਰਪਾ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹੋਈ ਅਤੇ ਉਹ ਮਰਨ ਤੱਕ ਇੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਰੋਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਾ ਗਏ ਕਈ ਲੀਡਰ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੱਕ ਜਿੱਦਾਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਉਹ ਲੀਡਰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕੇ ਜੋ ਕਿ ਚੱਡਾ ਜੀ ਨੇ ਅੱਜ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਆਪਣਾ ਦੇ ਕੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਨਾਂ ਰੋਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਨਾਂ ਰੋਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਫਿਰ ਮੁਹੱਲੇ ਦਾ ਨਾਂ ਰੋਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਫਿਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਨਾਂ ਰੋਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਫਿਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਨਾਂ ਰੋਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਔਰ ਸਮਾਜ ਦਾ ਨਾਮ ਰੋਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬੱਚੇ ਖੂਨਦਾਨ ਕੈਂਪਾਂ 'ਚ ਲਗਾਇਆ ਵਾ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਬੜਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇ ਕੇ ਔਰ ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਵਾਂ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਲੰਗਰ ਲਾਇਆ ਆ ਭਾਈ ਸਾਡੇ ਪੂਰੀ ਸੂਰੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੰਗਰ ਜਿਹੜਾ ਦਰਖਤਾਂ ਦਾ ਲਗਾਇਆ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਦੇਣ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੱਚੇ ਜਵਾਨ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਲਈ ਬੜਾ ਸਾਥ ਦੇਣਗੇ ਔਰ ਮੈਂ ਮੁੜ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਸੂਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਚੱਡਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਲੱਡ ਕੈਂਪ ਲਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਵਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਖੂਨਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜੈ ਭੀਮ ਜੈ ਭਾਰਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਸਰ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਅੱਜ DPI ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤਾ ਵਿੱਢਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਚੱਡਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦੀ ਯਾਦ ਨੂੰ ਤਾਜ਼ਾ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦਰਖਤਾਂ ਦਾ ਲੰਗਰ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਵੀ ਬੜਾ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਚੱਡਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਬੜੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਚੱਡਾ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਇਵੇਂ ਜਿਹੇ ਇਨਸਾਨ ਸੀ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਕਮਾਇਆ ਹੈ ਬਚਪਨੇ ਤੋਂ ਹੀ ਧਰਮ ਸਮਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੇ ਨੇ ਫਿਰ ਮਾਸਟਰ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਅਤੇ DPI ਦੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸੀ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕਹਾਵਤ ਹੈ ਕਿ ਜਾਤ ਪਾਤ ਨੂੰ ਤੋੜੋ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਜੋੜੋ ਚੱਡਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਾਤ ਪਾਤ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਔਰ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਹਰੇਕ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਸਨ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ
पूरे वर्ल्ड नूं घाटा पिया, मैं कहूँगा पूरे वर्ल्ड नूं घाटा पिया चड्डा साहब का। और चड्डा साहब नूं जिंदा रखने वास्ते सानू रोहित नाल मैं जिला सिंह तन मन धन दे नाल शुरुआत खड़ा रहांगा। जय भीम जय भारत। अज डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया वालों जिला नवांशहर दे विच श्री पुरशोत्तम चड्डा जी की जिन्हां दी अज जिहड़ी कुछ समा पहलों इस जीवनी नूं विछोड़ा दे गई सी उन्हां दी याद दे विच अज ब्लड कैंप जिहड़ा लगाया गया नवांशहर दे विच। सो उस ब्लड कैंप दे विच डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया दे अहुदेदार और वर्करां ने वध चढ़ के जिन्हां ने साथ दिता आ सो उन्हां दा धन्नवाद। और वध तों वध साडी कोशिश जारी रहेगी कि जिन्ना भी समाज के अंदर वो तो वह जो लोगों जागरूक किया जाए और इस जो इस पंजाब के अंदर या देश के अंदर जो वो तो वह बूटे लाए जाने और वो तो वह जो गरीब लोगों की हेल्प की जाए। इधर देखियो जी अंकल नाल हो जाओ माड़ा जी।